हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपनी बात करेंगे क्लास 8th के क्वेश्चन नंबर 6th की। तो इससे पहले अपन ने फर्स्ट टू फिफ्थ क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज अपनी बात करेंगे 6th की। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 6 जो है अपना, वो है मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। यानी 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, यानी -7/16 के रेसिप्रोकल से। ठीक है, तो पहले तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज इक्वल टू होगा 16/-7, क्योंकि रेसिप्रोकल उल्टा होता है, मतलब फ्रैक्शन ये मान लो उल्टा लिखना किसी नंबर को, है ना। तो 2/3 का होगा 3/2, 1/2 का होगा 2/1, उल्टा लिखना है मतलब, है ना। तो चलिए आगे बात करते हैं अपने। ये हो गया अपना रेसिप्रोकल, निकाल लिया मैंने इसका। ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया अपना। अब अपने को 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। रेसिप्रोकल निकाला था मैंने 6/13 मल्टीप्लाई 16/-7। ठीक है, तो अपने को इससे पहले तो इनके साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस, यानी ये प्लस का है ये वाला, और ये वाला डिजिट माइनस का है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई में माइनस हो गए, और ये हो गया 16/6 होता है अपना 96, और ये होता है अपना 91। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। तो हो गया रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दिया। तो चलिए बात करते हैं अपने आगे। टेल मी 7th क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ अस टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3 एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। यानी कौन सी प्रॉपर्टी है, अब सुनना ध्यान से मेरी बात। यानी इसने क्या कर रखा है देखना, ये बोला है कि इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये और ये चीज़ सेम है, यानी तभी तो ऐसा बोला है ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या इसको इस रूप में लिख सकता हूँ, क्या क्या इनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखना ध्यान से इसने क्या कर रखा है, नंबर तो सेम है इनमें, देखना 1/3 1/3 6, और ये भी 6 था अपना, और 4/3 और 4/3 नंबर सेम है इनमें, और मल्टीप्लाई भी चल रहा है। तो ध्यान रखना मेरी एक बात, प्लस और माइनस, सॉरी प्लस और जब मल्टीप्लाई चलता है ना, प्लस और मल्टीप्लाई में नंबर के सीक्वेंस पे कोई, अगर प्लस और मल्टीप्लाई कहीं हो रहा है, ठीक है, तो उनमें नंबर के सीक्वेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे देखना ध्यान से, 2/3 है, अगर इसको मैं लिखना चाहूँ 3/2, यानी इसको पहले और मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई है, और इसको बाद में लिखना चाहूँ, तो आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे नंबर कैसे भी हो, चाहे नंबर फ्रैक्शन में हो, चाहे नंबर सिंपल हो, चाहे नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो, कैसे भी नंबर हो, तो उनमें सीक्वेंस पे कोई इफेक्ट, सीक्वेंस चेंज करने पे उनके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस कहीं नहीं हो रहा, प्लस भी, प्लस चाहे हो, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और नंबर के ओनली सीक्वेंस चेंज किए हैं इसने, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी का नाम है, जो हमें ये करने पे अलाउ करती है, अनुमति देती है ये करने की, वो है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी के जरिए हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलिए बात करते हैं अपने 8th की। 8th क्वेश्चन क्या हो रहा है देखना ध्यान से। इज़ 8/9, यानी क्या 8/9 द मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स ऑफ -1 एंड 1/8। क्या 8/9 इसका -1 एंड 1/8 का मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स है, वाई एंड वाई नॉट, अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं। तो चलिए बात करते हैं अपने, पहले देखते हैं ये मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स हैं क्या एक दूसरे के, है ना। तो चलिए बात करते हैं, मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स मैंने बताया था आपको, जिन भी दो नंबर का जो मल्टीपल है, जो प्रोडक्ट है, वन आए, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिन भी दो नंबर का प्रोडक्ट अगर वन है तो वो आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो देखते हैं 8/1 और -1 एंड 1/8 का जो प्रोडक्ट है वो वन आता है क्या, अगर आ गया तो ये मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो चलिए अपने करते हैं स्टार्ट। पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगी 8/9 से,
इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करो, यानी माइनस वन बाई वन एंड वन बाई एट को मैं लिख सकता हूँ कैसे, एट को वन से मल्टीप्लाई करो, जहाँ भी मिक्स्ड फ्रैक्शन मिले तो इन दोनों नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो ये माइनस की है तो माइनस का एक आंसर है ना, ये माइनस की देख लो। तो अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, एट बाई एट वन जा एट और ऊपर वाला नंबर ऐड कर दो, ये वाला एट वन जा एट हो गया और ऊपर वाला ऐड किया तो नाइन हो गया, और नीचे अपॉन वाला नंबर वापस इसमें लिख दो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं एट बाई नाइन को मल्टीप्लाई करूँगा माइनस नाइन बाई एट से, देखूँगा क्या इनका प्रोडक्ट जो है वो आएगा, देखते हैं। चलिए ये याद रखना है अपने को, इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे तो होगा नहीं, इसको मैंने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, ठीक है। ये हो गया अपना एट बाई नाइन, और जो मल्टीप्लाई जो अपना सिंपल इसका जो सिंपल फ्रैक्शन आया था अपना वो था नाइन बाई एट, और वो था माइनस का, माइनस का, ठीक है, माइनस लगा दिया मैंने। अब पहले तो मल्टीप्लाई करना है तो इनके साइन मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, और एट से एट गया, नाइन से नाइन गया, वन आ गया, है ना, ठीक है, ठीक है, वन आएगा, जीरो मत कर देना, क्योंकि जब मैं सेम डिजिट को सेम डिजिट से डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए 72 है ऊपर और नीचे भी 72 है, तो मैं जब डिवाइड करूँगा तो मेरा वन आएगा, याद रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है, वन आ गया, ठीक है। अब मैंने बोला था मल्टीपल जो प्रोडक्ट है अपना वो वन आना चाहिए, इसमें माइनस वन आया, तो ये मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स नहीं है एक दूसरे के। तो मैं बोल सकता हूँ, देखना ध्यान से, एट बाई नाइन इज़ नॉट द मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स, यानी ये मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स नहीं है ऑफ माइनस वन एंड वन बाई एट, माइनस वन एंड वन बाई एट का, बिकॉज एट बाई नाइन, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ एट बाई नाइन एंड माइनस वन एंड वन बाई एट इज़ नॉट इज इक्वल टू वन, यानी प्रोडक्ट ऑफ एट बाई नाइन एंड माइनस वन एंड वन बाई एट इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये अपना ज़ीरो नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स ये नहीं होगा एट बाई नाइन इसका, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको ये चेक करना है, ठीक है ना, आपको ये खुद को करना है, यानी देखना है चेक करके। अब मैं इसको बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, इसको आप लिख सकते हो 0. अगर कोई नंबर डेसिमल में है, पॉइंट में है ना, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, कैसे, देखना ध्यान से, 0.3, तो आप पॉइंट हटाओ और नीचे पॉइंट के बाद में कितने डिजिट हैं, वन के बाद में उतने ही जीरो लगा दो। मान लीजिए 22 है, पॉइंट 22 है, 3.22, ठीक है, 3.22, तो आप ये पॉइंट हटा दो आप ये पॉइंट, और पॉइंट के बाद में जो डिजिट है 2 है, तो वन के बाद में 2.0 लगा दो, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 3.22 और वन के आगे 2.0, ठीक है। एक नंबर ले रहा हूँ, जैसे मैं आपके पास है मान लो 4.2, ठीक है। अब इस पॉइंट को उठाना है आपको, तो आप 42 लिख दो, कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट को उठा दिया मैंने, तो पॉइंट के बाद में डिजिट 1 है, तो वन के बाद में उतनी ही जीरो आप लगा दो, ठीक है। तो अब आपको चेक करना है, ये नंबर आप लिख सकते हो 0.3 इज इक्वल टू 3, मैंने पॉइंट हटा दिया, और पॉइंट से पहले मैं जोड़ लगाऊँ तो ये कोई मतलब की बात नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट हटा दिया मैंने, और पॉइंट के बाद में एक ही डिजिट है, तो नीचे मैंने वन के आगे एक जीरो लगा दिया, तो ये हो गया मेरा 3/10। अब अपने को चेक करना है, क्या 3 बाई टेन, ये 3/10 हो गया, ठीक है ना, आप कर सकते हो ऐसा, 3/10 इज़ मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स ऑफ 3 एंड 1/3, ठीक है। इसको भी आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लो, 3 एंड 1/3 को, तो 3 3 जा 9 एंड ये 1 ऐड हुआ, तो 9 और 1 ये 10 हो गया, और अपॉन में ये नंबर वापस 10/3। क्या 3/10 मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स है 10/3 है, क्योंकि इसको मैंने चेंज कर दिया इसमें, ठीक है। आप पहले दोनों डिजिट को अच्छे से चेंज कर लो सिंपल फ्रैक्शन में, फिर इनका मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है, और क्या वन आ रहा है। अगर वन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स नहीं है एक दूसरे के, अगर वन आ गया तो वो एक दूसरे के मल्टीप्लेक्टिव इन्वर्स होंगे, ठीक है, आप कह सकते हो सर, ठीक है। अपना 10th क्वेश्चन जो है वो है, देखना ध्यान से, 10th क्या बोल रहा है, द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, यानी एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई वो नहीं होता, रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। रैशनल नंबर पूछा है, एक रैशनल नंबर है 0,
जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। देखना कैसे, मैंने बोला था रैशनल नंबर होते हैं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अपॉन वाले नंबर, ठीक है ये तो हो गया, लेकिन इनके अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, क्यू इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया तो हो जाएगा अपना इन्फानाइट, है ना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो जीरो एक रैशनल नंबर है, सबको पता है जीरो एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर, क्योंकि मैं उनके अपोन में वन लगा सकता हूँ और ऐसा करके वो पी अपोन क्यू की फॉर्म में बन जाते हैं, है ना, तो ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। यानी जीरो क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इसको मैं इसका रेसिप्रोकल नहीं बना सकता, इसका रेसिप्रोकल बनाऊंगा कैसे, देखना ध्यान से, इसके अपोन में वन लगा सकता हूँ। अब इसका रेसिप्रोकल जब मैं बनाऊंगा, इसको उल्टा करूंगा तो वन बाई जीरो हो गया, वन बाई जीरो हो गया, सॉरी जीरो। तो नीचे वाले जो डिजिट है, नीचे वाला जो नंबर, वो जीरो बन गया, लेकिन रैशनल नंबर में अगर नीचे वाला नंबर जीरो बन गया तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा, वो बन जाएगा इन्फिनिटी, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। तो नीचे जीरो तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो एक जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो आंसर होगा इसका ओनली जीरो, आप जीरो लिख देना, जीरो, जी जीरो इज़ दी ओनली रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, ठीक है, ये ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट अपना है दी रैशनल नंबर, दी रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, यानी एक ऐसा रैशनल नंबर जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, तो वन कर देना आप इसमें, वन के अपन वन लगा सकता हूँ। यानी एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, तो वन, मान वन एक ऐसा रेशनल नंबर है, रेज कर रहा हूँ मैं इसको एक बार, वन रेशनल नंबर है क्योंकि इसके अपोन में वन लगा सकता हूँ, ये वन ही रहना है, तो वन एक रेशनल नंबर बन गया क्योंकि पी अपोन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर इसको मैं रेसिप्रोकल बनाऊँ, इसका रेसिप्रोकल, तो वही दोबारा वन बाई वन, तो वन एक ऐसा रेशनल नंबर हो गया जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, ठीक है, तो आप वन कर सकते हो इसमें। तो अपना जो थर्ड है दी रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, एक ऐसा रैशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, ठीक है, चलिए अपने करते हैं बात। जीरो एक ऐसा रैशनल नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल होता है, क्योंकि मैंने बोला था जीरो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप किसी नंबर में जीरो ऐड कर लें किसी नंबर में जीरो माइनस कर लें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी जीरो रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अपॉन में वन लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, समझ आ गई मेरी बात। अब ये जीरो हो गया तो जीरो करना इसका आंसर आपको, ठीक है, तो जीरो कर देना इसमें, जीरो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये अपने नेगेटिव के इक्वल ही होता होता है, मतलब ये एक ऐसा रेशनल नंबर है। तो क्वेश्चन 11, तो चलिए ये अपने कल की वीडियो में करेंगे, आज वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गया मतलब, तो आज की वीडियो में अब बस इतना ही। और ये जो 10 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये आप अपनी जो फेयर नोटबुक है अपनी उसमें कर लेना, नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में अपनी, ठीक है, साफ साफ होना चाहिए काम। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।